नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सेम्स वेकेशन बाय संदीप। और हर बार की तरह मैं संदीप आपको लेकर चलूंगा हिमालय की गोद में बसे भगवान शिव के अद्भुत धाम की रोचक यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देवों के देव महादेव के केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में, जहाँ जाने का हर किसी का एक सपना जरूर होता है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोचक सफर के लिए। तो दोस्तों, मेरी यात्रा राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर से शुरू होती है और लगभग रात भर का सफ़र करके मैं पहुंचता हूं योग नगरी ऋषिकेश। सुबह जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो बिना समय गंवाए जल्दी ही मैंने केदारनाथ के लिए बस पकड़ ली। मगर हुआ यूं कि मुझे ये बस सीधी केदारनाथ न ले जाकर उतार रही थी रुद्रप्रयाग, जो कि इस पूरे रास्ते का एक आधा रास्ता है। मगर बस वाले ने मुझे श्योर किया कि वो आगे मुझे बस मिलवाने में मदद करेगा, जो बस जाएगी आगे सोनप्रयाग तक और वही केदारनाथ के लिए एक लास्ट स्टॉपेज है। ऋषिकेश से सुबह 7 बजे चलकर 10 घंटों में मैंने लगभग 220 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय किया और इस दौरान मैं धरा देवी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग जैसे शहरों से होते हुए लगभग शाम को 5 बजे सोनप्रयाग पहुंचा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि अभी भी थोड़ा और आगे जाना बाकी है जहाँ से असल में यात्रा शुरू होती है। तो मैंने यहाँ आकर देखा एक लोकल टैक्सी होती है जो सोनप्रयाग या सीतापुर नाम की एक जगह से लेकर लोगों को ले जाती है गौरीकुंड तक, और वहीं से ही विधिवत एक्चुअल में यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ आकर मैंने आराम किया और अपनी यात्रा अगले दिन जो करनी है उसके लिए मैंने खुद को तैयार किया। राम राम दोस्तों, आज है मेरी केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन और सुबह जल्दी तैयार होकर लगभग 7 बजे मैं अपने होटल से चाय नाश्ता करके गौरीकुंड से निकलता हूँ अपनी आगे की यात्रा के लिए। रात को मैंने लगभग 500 रुपये में गीजर वाला होटल लिया था कि मैं अच्छे से नहा सकूँ, फ्रेश हो सकूँ, क्योंकि पूरा दिन सफ़र करने के बाद काफ़ी थकान थी मुझे। बाद में खाना खाने के टाइम मैंने कुछ नए लोगों से बातचीत की जो उसी यात्रा पर जा रहे थे, ताकि एक अच्छा ग्रुप बन सके और पूरी यात्रा पर आप बातचीत करते हुए लोगों से, नए लोगों से मिलते हुए आप जाएं और आगे की जो जानकारी आपको चाहिए यात्रा में क्या क्या होना है उसके बारे में आपको क्लैरिटी रहे। ट्रिप के बीच बीच में थोड़ा सा नींबू पानी पीते रहना चाहिए और सबसे अच्छी बात शुगर खूब डलो इसमें, अगर शुगर प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है शुगर की वजह से। और दूसरा है लेमन, इसके अंदर सबसे की इंग्रेडिएंट है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सर्दी है और सर्दी के अंदर विटामिन के सबसे रिच सोर्स होते हैं सिट्रिक, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और ऊपर में अचानक से लगने वाली जो ठंड होती है, सर्दी जुकाम होती है, उसको ये प्रिवेंट करता है। सो जब भी जय भोले। दोस्तों, ये 18 किलोमीटर की यात्रा गौरीकुंड से चलकर जंगल चट्टी, रामबाड़ा, भीमबली, लिंचुली होते हुए लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ बेस कैंप पर जाकर ख़त्म होती है। और इसे चढ़ने में लगभग मैंने पूरा दिन लिया क्योंकि मुझे प्रकृति के साथ समय बिताने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। सो आप अपना खुद का टाइम लें कि आपका शरीर कितना आपको अलाउ करता है चढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसी तरीके से आप अपने प्रकृति को समझते हुए धीरे धीरे चलें। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान मैं रामबाड़ा नाम की एक जगह से गुजरता हूँ जो किसी समय में एक भरा पूरा शहर हुआ करता था, और यह शहर साल 2013 में एक भयंकर बाढ़ के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, ये यात्राएं पुराने समय में अंतिम यात्रा की तरह होती थी, ताकि कोई अगर इन तीर्थों में अगर मर भी जाता है बुजुर्ग तो उसे सीधा स्वर्ग मिले। मगर आज के समय में ये हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। खैर, अगर इस पूरी घटना को हम ईश्वर की माया की तरह ही देखें तो शायद हमें कम दुख होगा। दोस्तों,
इस यात्रा का सबसे रोमांचक पल तब आता है जब हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश की फुहारें स्नो फॉल में बदल जाती है। मैदानी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये पल एक तरीके से पैसा वसूल पल होता है, क्योंकि ये सब बर्फबारी हम लोग असल में मूवीज़ में, सीरीज़ में और गानों में ही केवल देखा करते हैं। थोड़ी देर में ही कैसे धीरे धीरे बर्फ के फोहे रुई की तरह पूरे पहाड़ों पर फैल जाते हैं, और एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ये हम किसी ऐसी वादियों में आ गए हैं जो हमने शायद पहले कभी या सपनों में भी ना सोची हो। हर हर महादेव दोस्तों, तो फाइनली काफ़ी ऊपर आ गए हैं, 12 किलोमीटर लगभग हम ऊपर आ चुके हैं, और अब मेरी यात्रा लाइक आखिरी चरण में है अभी। एंड सबसे बड़ी बात है, जो भी केदार आते हैं, सच बताऊं ऐसा वेदर किसी को शायद नहीं देखने को मिला होगा जो वेदर मैं देख पा रहा हूं। काफ़ी लंबा सफ़र था मेरे लिए तो, और कम से कम 3 घंटे से स्नो गिर रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई कि रेनकोट लाना भूल गया नीचे से मैं। पूरा दिन लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार शाम होते होते मैं पहुंचता हूं केदारनाथ बेस कैंप। मेरा ये सफ़र ऊंचे पहाड़, झरने, पथरीले रास्ते, गहरी खाइयाँ, बर्फबारी और सुंदर नज़ारों से होते हुए हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ तक ले जाता है, जहां आने का बरसों मैंने इंतज़ार किया और कई सपने देखे, कई बार प्लान बनाए, मगर मौका इस बार मिला। रास्ते में कई जगह रुक रुक कर मैंने चाय पी, मैगी, राजमा, भुट्टे और कई आइटम पे लेता कि पेट को कोई कष्ट नहीं हो जाए। पैरों को चाहे कुछ हो या नहीं हो, पेट को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रात होते होते जब मैं मंदिर पहुंचा तो लगभग आरती हो चुकी थी और इवन मंदिर भी बंद होने वाला था, मगर भगवान के श्रृंगार रूप के बढ़िया चमत्कारी ढंग से मेरे दर्शन हुए। किसी ने मुझे रास्ता बताया कि यार इधर से चले हो, पीछे वाले रास्ते से मैं गया और अंदर दर्शन किए। फिर पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से बाहर निकले और एक बढ़िया ढाबा था, वहाँ पर इडली सांभर खाकर पेट पूजा की और आग वाग सेखा बढ़िया से। और यहीं लोगों से आसपास जानकारी ली मैंने कि क्या किया जाए रात को ठहरने के लिए। तो किसी ने मुझे बताया कि महंगे होटल की बजाय आप यहाँ पर डॉर्मेटरीज है जहाँ पर बेड 500 रुपये चार्ज करते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। अच्छी बात थी कि वहाँ अच्छी रजाई, कंबल और गीज़र का पानी था, वॉशरूम अच्छे साफ़ सुथरे थे, तो मैंने वही लिया और आराम से नींद निकाली। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह उठने का नज़ारा दिखाता हूँ मैं केदारनाथ का। राम राम सभी भाई लोग। गाना आज है मेरी यात्रा का तीसरा दिन और सुबह की बर्फबारी देखे तो एक गाना गाने का मन करने लगा। शिव के लाशों के वासी, सुना होगा आपने, ये बहुत ट्रेंडिंग गाना। तो यहाँ की बर्फ़ देख के तो मेरे दिमाग में यही गाना बार बार चल रहा था, और नहाते टाइम और चलते टाइम इसी गाने को मैं बार बार गा रहा था। तो दोस्तों, हुआ ये कि बढ़िया से नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पहुँचता हूँ मैं बाबा भोले के दरबार में, और मंदिर में जाके अभिषेक किया भोले बाबा का। और यहाँ पर थोड़ा सा अलग है दोस्तों मंदिर के अंदर पूरा वातावरण, मतलब यहाँ पर भगवान शिव की पिड्डी है, कोई वो मूर्ति नहीं है जैसी हम शिवलिंग हम देखते हैं मंदिरों में। थोड़ी देर यहाँ मंदिर में शांति से ध्यान किया अभिषेक करने के बाद, क्योंकि ये टाइम मंदिर के बंद होने का समय है, तो इस टाइम पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी मंदिर में, तो आराम से फुर्सत से बैठ के थोड़ी देर ध्यान किया, भगवान का नाम लिया और पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका पाठ किया यहाँ पर। अच्छी बात है कि दोस्तों मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, आप जैसे अंदर एंटर करते हैं तो आपको बहुत कम चीज़ें ही देखने को मिलती है। अंदर पांडवों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिमा है अंदर। तो मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का कैप्चर करके नहीं लाया, मगर एज आइकोनोग्राफी परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो मंदिर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है, काफ़ी रिच है, अंदर का डिटेलिंग जो भी है, कार्विंग्स है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान शिव का जो विग्रह है वो बहुत ही डिफरेंट है आम शिवालयों से, सो डेफिनेटली यहाँ पर आना अपने आप में वन ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस होता है।
मंदिर दर्शन के बाद दोस्तों अब मैं निकला हूँ भगवान शंकराचार्य जी की समाधि की ओर, जो मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही है। तो बहुत सुंदर सी एक प्रतिमा बनी हुई है और एक समाधि स्थल बना हुआ है। केरल के कलाड़ी गांव में जन्मे शंकराचार्य भगवान ने एक समय में हिंदू धर्म को एक खंडित अवस्था से निकालकर एक सूत्र में पिरोया और भारत के चारों कोनों पर चार पीठों की स्थापना की। दोस्तों 32 साल की बहुत ही कम आयु के अंदर भगवान शंकराचार्य का जीवन भी हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन जैसा है। अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है ये उसी कलाकार ने बनाई है, योगी राज करके जिनका नाम है, जिन्होंने राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाई थी। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद और शंकराचार्य जी की समाधि देखने के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद, अब बारी है भैरव बाबा मंदिर जाने की। क्योंकि कहते हैं इस धाम में अगर आप आए हैं तो भैरव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और भैरव भगवान को ही हर क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं उनका रक्षक माना जाता है, रक्षक देवता कहा जाता है। और ये बहुत सनातन धर्म की बेसिक चीज़ है जिसके अंदर किसी भी देव स्थान को रक्षा करने के लिए भैरव की स्थापना की जाती है। इस घाटी का जो ऊंचा पॉइंट है, काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि बर्फ़ में किसी चढ़ाई वाला एरिया चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के चलने से वो स्लिपरी हो जाता है। खैर दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि ये केदारनाथ धाम जो है वो 6 महीने इंसानों के लिए खुला रहता है, और 6 महीने ये देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऐसी अनेकों शक्तियाँ होती है उनके लिए। ये सर्दियों के दिनों में जब मंदिर बंद हो जाता है तो ये सारी शक्तियाँ यहाँ आती हैं, और इन दोनों ही लोगों के आने पर यहाँ केवल भैरव ही होते हैं जो भगवान शिव के इस धाम की रक्षा करते हैं। 2013 में जब यहाँ मंदाकिनी नदी में ज़बरदस्त प्रलय सा आया था, फ्लड आया था, तो कहते हैं ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इस पूरी घाटी में लगभग सब कुछ तबाह हो गया भगवान शिव के मंदिर के अलावा। सो कई बार ये सब चीज़ें हमें सोचने को मजबूर कर देती है। अब भाई लोगों, केदारनाथ पूरा धाम जो है उसको घूम लिया है मैंने, और अब बारी है अपने घर की ओर निकलने की। बाबा का आशीर्वाद और यात्रा की खूब सारी यादें लेकर अब मैं पूरे साल खुद को आराम से मोटिवेट रख पाऊँगा। कई बार ऐसी यात्राएं बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम काफ़ी अकेले जब होते हैं तब कुछ होना चाहिए हमारे जीवन में जो बिल्कुल हमसे पर्सनली जुड़ा हो, और उसकी यादों के सहारे हम किसी अच्छे बुरे टाइम में से निकल सकें। तो हुआ यूँ कि शाम होते होते मैं वापस गौरीकुंड पहुंचा। यहाँ आने के बाद पता लगा कि बस मुझे सोनप्रयाग से मिलेगी, तो मैं वहाँ के लिए निकला, और बस स्टैंड के पास ही सोनप्रयाग जो बस स्टॉप है, वहीं उसी के पास एक मैंने स्टे लिया डॉर्मेट्री दोबारा से। काफ़ी साफ़ सुथरे डॉर्मेट्रीज हैं ताकि आपके पैसे बच सकें, और ख़ासतौर से सिंगल लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने डॉर्मेट्री ली, पास में खाना खाया और सो गया जल्दी से, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी बस लेनी है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। राम राम भाई लोगों, आज है मेरी केदारनाथ यात्रा का चौथा दिन, और सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग से मुझे बस लेनी है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। खैर मेरे पास दिन में थोड़ा टाइम बचा है, क्योंकि मैं जल्दी उठ के बस में बैठा हूँ, तो ये बस मुझे बहुत जल्दी ही ऋषिकेश उतार देने वाली है। तो मैंने सोचा कि मेरी ट्रेन वैसे शाम की है हरिद्वार से, तो क्यों ना दिन भर ऋषिकेश को अच्छे से देखा जाए, घूमा जाए, और बाकी टाइम यहाँ बिताया जाए। इसी बीच हुआ ये कि दोपहर में जब मैं योग नगरी ऋषिकेश पहुंचा, तो आकर बढ़िया से नहाया धोया, तैयार हुआ, कपड़े चेंज किए, और फिर टहलते हुए मैं राम झूला होते हुए गंगा किनारे पे आया। यहाँ पर एक फेमस गोवा बीच करके है, जहाँ पर आपको तसल्ली से बैठने के लिए एक बहुत अच्छी बीच जैसा एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर आगे निकला, और गंगा किनारे टहलता हुआ मैं गीता भवन, जानकी झूला होते हुए परमार्थ निकेतन पहुँचा, जहाँ एक बहुत सुंदर सी कैंटीन है, और वहाँ मैंने खाना खाया। बहुत अच्छा, टेस्टी और सात्विक खाना था, और इसे खाने के बाद तो एक अलग तरह की एनर्जी सी मुझे फील होने लगी। पाँच दिनों की मेरी ये यात्रा दोस्तों एक अद्भुत कहानी थी, जिस किसी को भी मैंने यह बताया कि मैं केदारनाथ होकर आया हूँ,
तो दोस्तों मेरा शहर जयपुर भी मुझे लगता है कि किसी काशी से मथुरा से कम नहीं है, क्योंकि आखिरकार आना अपने घर ही है। मैंने इस यात्रा को दोस्तों एक बहुत डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आप इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं या ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ डिटेल में जानना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसी को पब्लिश करने वाला हूँ। तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो से जुड़ा हुआ एक लंबा डिटेल वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि कैसा लगा। या आपकी कोई क्वेरीज़ है इस यात्रा पर जाने से पहले तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई कई चीज़ें बताने को लेके, क्योंकि कई बार हम यात्राओं पर जा रहे होते हैं और हमें पूरी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलते हैं किसी नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए राम राम।